एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 29 नवंबर 2021 की डेट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं जो आपको समझनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे जाना होगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो बीटेक के एडमिशन से संबंधित है। यहाँ पर बता दिया गया है जिनको सीट मिली है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी या फिर सीएसएबी 2021 के थ्रू, तो उसकी रिपोर्टिंग कंडक्ट की जा रही है जो 7 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर 21 के बीच में ऑनलाइन की जाएगी। आपको ऑनलाइन मोड से जाना होगा, उससे संबंधित दिशा निर्देश नीचे दे दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। पहले नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है आपको जो सीट अलॉट की गई है उसको आप रखना चाहते हैं या वापस करना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, वो फिल करना होगा और फिल करने के बाद उसकी स्कैन कॉपी आपको मेल करनी होगी। मेल करने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपको दे दी गई है। दूसरे नंबर पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये फिल करना होगा आपको, पहले नंबर पर नेम ऑफ कैंडिडेट है, दूसरे नंबर पर फादर नेम है, तीसरे नंबर पर जेंडर है, चौथे नंबर पर कैटेगरी है, उसके नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जनरल कैटेगरी को छोड़ते हुए, नीचे आपका जेई मेन एप्लीकेशन नंबर होगा, उसके बाद आपकी रैंक होगी, नीचे आपको रैंक कार्ड अपलोड करना होगा, कॉन्टेक्ट नंबर देना है 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, 9 नंबर पर ईमेल आईडी देनी है, 10 नंबर पर आपको अपनी होम स्टेट लिखनी है, 11 नंबर पर जो भी आपको ब्रांच अलॉट हुई है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देनी है, 12 नंबर पर आपको अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना होगा और 13 नंबर पर आपको अपना ट्रांसफर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होगा, 14 नंबर पर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, 15 नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप नहीं लेना चाहते हैं। पहले पॉइंट पे लिखा गया है आई वांट टू टेक एडमिशन इन द ब्रांच अलॉटेड टू मी, दूसरे नंबर पर लिखा गया है आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन द ब्रांच अलॉटेड टू मी, आपको ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देनी है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके आगे चलते हैं, तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा गया है, देखिए तीसरे नंबर में लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है हॉस्टल का वो आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। पिछले 2 महीने से तो हम ढूंढ रहे हैं, हमको तो मिला नहीं है, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपको मिल जाएगा, हो सकता है कल से परसों से ये मिलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक तो यूनिवर्सिटी की साइट पर कोई भी हॉस्टल का फॉर्म नहीं है। चौथे नंबर पर लिखा गया है कि जब भी आपकी क्लासेस शुरू होंगी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। 5वें नंबर पर देखिए यहाँ पर कुछ दी गई है जो आपको यूनिवर्सिटी को वाया ईमेल भेजनी होगी, क्या क्या भेजनी है। पहले नंबर पर लिखा गया है 10th सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट, दूसरे नंबर पर लिखा गया है 12th मार्कशीट, तीसरे नंबर पर है 12th का सर्टिफिकेट, चौथे नंबर पर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट है। आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर है, जेई मेन का स्कोर कार्ड है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और यदि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट और लगाया है तो उसको भी आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना होगा। मेल करने के लिए वहां पर आपको एक लॉगिन आईडी दी गई है, उस आईडी पर आप मेल कर देंगे। नीचे लिखा गया है कि यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्लेरिफिकेशन, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको दी गई है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं जो मिस्टर प्रशांत जी का है, और लास्ट में इसके नीचे एक फॉर्म दिया गया है। तो इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन थी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी, इसको हम आपके लिए लेके आए थे, हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो आप इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर चैनल है कैस्पर टेक के नाम से, वहां पर इसको अपलोड कर दिया, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो, फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।